हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करेंगे इसी न्यू ऑडी RSQ8 के बारे में। तो क्या कुछ हैं इसके फीचर्स, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। साइकिल चलाते वक्त जब आपके सामने कोई आ जाता है तो आप ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजाते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप घंटी क्यों नहीं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं सॉलिड अलॉय व्हील्स, जिसके सेंटर में आपको मिल जाता है ऑडी का लोगो। पीछे की तरफ आपको मिल जाती हैं बिग LED लाइट्स, और इसके सेंटर में आपको मिल जाते हैं इसका लोगो, जिसके नीचे आपको मिल जाती है RSQ8 की ब्रांडिंग। इसके साथ आपको मिल जाती है स्ट्रिप लाइट्स, और पीछे की तरफ आपको मिल जाता है एक छोटा सा वाइपर। ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है एक छोटा सा एंटीना और एक सनरूफ, जिसे आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंड आगे की तरफ आपको मिल जाती हैं फॉग लाइट्स, और इसके सेंटर में आपको मिल जाता है ऑडी का लोगो, और इसके साइड्स में आपको मिल जाते हैं कुछ रडार्स ऑटो पार्किंग के लिए इसी ब्लैक ब्रेजल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है एक 3998 cc का इंजन विद 591.7 bhp के साथ, और इसके अंदर आपको मिल जाती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इसका स्टीयरिंग व्हील विद मल्टी फंक्शंस के साथ। सामने की तरफ आपको मिल जाता है इसका मल्टी फंक्शन ट्रिप मीटर विद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाती हैं फुल्ली लेदर सीट्स हमारे कंफर्ट के लिए। तो ये थे कुछ ओवरव्यू एंड इंटरनल फीचर्स इसी ऑडी RSQ8 के। अब हम बात करते हैं इसके कुछ छोटे छोटे फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है फ्यूल टाइप पेट्रोल, एंड सीटिंग कैपेसिटी 5, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो है 85 लीटर्स, और इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाते हैं SUV बॉडी टाइप, और इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज फ्रंट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड फॉग लाइट्स फ्रंट में। और इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है अलॉय व्हील्स, और इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है 800 Nm का मैक्स टॉर्क विद 8 सिलेंडर्स एंड 4 वाल्व्स पर सिलेंडर के साथ। इसके अंदर आपको मिल जाता है टर्बो चार्जिंग एंड 8-स्पीड गियर बॉक्स। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाती है जो टॉप स्पीड है वो है 305 किलोमीटर पर आवर की। इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है एक इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, एंड इसके फ्रंट एंड रियर में आपको मिल जाते हैं सेरेमिक वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स, एंड इसकी जो एक्सलेशन है वो है 3.8 सेकेंड की। और उसके बाद बात करते हैं इसकी लेंथ की, वो है 5012 mm एंड विड्थ है 2190 mm की। उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है एक हीटर एंड एडजस्टेबल स्टीयरिंग एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिमोट ट्रंक ओपनर एंड ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर एंड रियर रीडिंग लैंप। एंड इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है कप होल्डर फ्रंट एंड रियर में, और रियर AC वेंट्स एंड हीटेड सीट्स फ्रंट के अंदर, एंड नेविगेशन सिस्टम, एंड इसके बाद वॉइस कंट्रोल, एंड उसके बाद है टैकोमीटर, इलेक्ट्रिक मल्टी ट्रिप मीटर, लेदर सीट्स एंड डिजिटल क्लॉक। एंड उसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है एक डिजिटल ओडोमीटर, एंड इसके बाद इसके फ्रंट में आपको मिल जाते हैं इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस कंट्रोल, इको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। एंड उसके बाद आपको इसके अंदर मिल जाती है फॉग लाइट्स विद पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, एंड आपको इसके अंदर मिल जाएगा रेन सेंसिंग वाइपर, रियर विंडोज वाइपर, रियर विंडो डिफोगर, अलॉय व्हील्स एंड रियर स्पॉइलर, एक सनरूफ
एंड इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड एंटीनास, एंड इसके बाद एलईडी हेडलाइट्स विद डीआरएलएस डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ। उसके बाद अलॉय व्हील्स का साइज है इसके अंदर आपको 23 इंचेस का मिल जाता है। उसके बाद आपको इसमें मिल जाती हैं बिग एलईडी टेल लाइट्स एंड एलईडी फॉग लैंप्स। उसके बाद सेफ्टी में आपको मिल जाता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्टेंट मिल जाता है, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंड इसके अंदर आपको मिल जाते हैं टोटल 8 नंबर ऑफ एयर बैग्स। एंड इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाती हैं टायर प्रेशर मॉनिटर एंड व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर एंड क्रैश सेंसर, सेंट्रल माउंटेड फ्यूल टैंक। एंड इसके बाद इसके अंदर आपको मिल जाता है रियर कैमरा, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट एंड नी एयर बैग्स, एंड इसके बाद है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर एंड 360 व्यू कैमरा। और उसके बाद आपको इसमें मिल जाता है एक FM रेडियो, और उसके बाद है ब्लूटूथ, USB एंड वाईफाई कनेक्टिविटी और एक कंपास। उसके बाद हम बात करते हैं RSQ8 कलर्स की, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है ग्लेशियर वाइट मेटेलिक, गैलेक्सी ब्लू मेटेलिक, ओरका ब्लैक एंड पियरलिसेंट ग्रे ब्लू मेटेलिक, फ्लोरेट सिल्वर मेटेलिक, मेटाडोर रेड मीका। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके वेरिएंट्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 3 वेरिएंट्स, बेस, टॉप और टॉप ऑटोमेटिक। अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में, तो ये आपको मिल जाती है 2.07 करोड़। तो ये थे कुछ फीचर इसी ओडी RSQ8 के, तो बताइए आपको ये कैसी लगी। थैंक यू, जय श्री राम।